महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया। मनसे ने लातूर ग्रामीण से संतोष नागर गोजे को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले शिवडी और पंढरपुर के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इस बार मनसे ने प्रदेश की 200 से 250 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। प्रदेश में कुल 228 सीटें हैं। वर्तमान में प्रदेश में महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट सत्ता में काबिज है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया। मनसे ने लातूर ग्रामीण से संतोष नागर गोजे को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले शिवडी और पंढरपुर के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इस बार मनसे ने प्रदेश की 200 से 250 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। प्रदेश में कुल 228 सीटें हैं। वर्तमान में प्रदेश में महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट सत्ता में काबिज है।